हुआ गला है, इसमें सूट में ही बना बनाया गला आया है और मुझे इसमें गला बनाना है। गला बनाने के लिए मुझे 10 बाई 10 कपड़े की जरूरत पड़ेगी। जो मैं इस कपड़ा मैंने 10 बाई 10 कपड़ा लिया है उसको मैंने सीधी साइड पे, आप देख सकते हो सीधी साइड पे इस तरीके से मैंने कपड़े को लगा दिया है। लगाने के बाद मैंने इसको कच्चा कर लेना, मैं इस पे कच्चा नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट करूंगी, लेकिन आप चारों तरफ पहले कच्चा कर लेना क्योंकि कपड़ा भागे ना इससे। अब आप, मैं इसको उल्टा करके सीधी साइड पे 10 बाई 10 कपड़े को रखेंगे और फिर मैं इसको उल्टा करूंगी। अब आप देख सकते हो ये उल्टी साइड है, ये बैक साइड उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, ये इसके ऊपर कपड़ा है। सीधी साइड पे मैंने 10 बाई 10 कपड़ा रखा है और अब मैं इसके चारों तरफ, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, ये जो हमारी सिलाई है आप देख सकते हो, ये सिलाई है हमारी, ये जो सिलाई है मैं इसके किनारे 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 मैं सिलाई लगाऊंगी। ये आप देख सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से मुझे सिलाई लगानी है। ये आप देख सकते हो मैंने चौक का निशान लगाया है सिलाई लगाने के लिए। मैं इस पर अब चारों तरफ राउंड में सिलाई लगा लूँगी। आप देख सकते हो ये मैंने सिलाई लगा ली है, जहाँ मैंने इस चौक का निशान लगा रखा है इसी पे ही मैंने सिलाई लगा दी है घुमा के। अब मैं आधे इंच की दूरी पे, ये आप देख सकते हो मैंने इस पे, ये जो हमारी सिलाई है सिलाई के आधे इंच की दूरी पे मैंने और निशान लगाया है। इसको मैं कटिंग कर लूँगी, आप देख सकते हो किस तरीके से मैं कटिंग करूँगी। आप देख सकते हो ये मैंने इस तरीके से ये कपड़ा लिया है और आधे इंच की दूरी पर मैंने कटिंग कर ली है। ये आप देख सकते हो सिर्फ इतना ही मुझे कपड़ा बचाना है आधे इंच की दूरी पे। ये अब आप देख सकते हो ये मैंने बीच का हिस्सा निकाल दिया है इसका कटिंग करके, ये इसका बीच का हिस्सा आया है इस तरीके से, ये अब किसी काम का नहीं है। अब जो ये हमारे जो आधा इंच का कपड़ा जो हमें छोड़ा था इसमें कट लगा लेंगे पूरे गले में, गोल जो गला बना हुआ है सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ कट लगा लेंगे हम इस तरीके से। ये मैंने सीधा कर लिया है कपड़ा और इसके एक एक इंच की दूरी पे राउंड में इस तरीके से मैं निशान लगाऊंगी और उतना गोलाई में कपड़ा काट लूंगी। ये आप देख सकते हो मैंने चौक से निशान लगाया है, इसको मैं राउंड में सिर्फ ऊपर वाले कपड़े को, जो ये हमारा ऊपर वाला कपड़ा 10 बाई 10 है इसको हमें अलग करना है, नीचे वाले को नहीं। हम अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने कटिंग की है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने कटिंग करी है, एक इंच की दूरी पे मैंने ये कपड़ा कटिंग कर लिया है 10 बाई 10 को। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी इस तरीके से, आधा आधा इंच की दूरी पे इस तरीके से मैं इसकी 10 बाई 10 के कपड़े को फोल्ड करूँगी, इस तरीके से लेके इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लूँगी किनारे किनारे पे आधा इंच की दूरी पे। अब आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से इसको आधे इंच की दूरी पे ये फोल्ड कर दिया है किनारे किनारे पे, कच्चा जो कहते हैं। अब इसको मुझे पट सिलाई लगानी है, पट सिलाई मतलब एक के ऊपर एक सिलाई। ये कपड़ा मैं इधर की साइड करके ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके से, आप देख सकते हो जो 10 बाई 10 कपड़ा है इसके ऊपर सिलाई लगानी है मुझे इस तरीके से किनारे किनारे बिल्कुल। ये देख सकते हो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है, इसको बोलते हैं पट सिलाई। अब इसको मैं अंदर की साइड फोल्ड कर दूंगी, ये देख सकते हो आप मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया और चारों तरफ कच्चा कर लूंगी इस तरीके से। ये हमारा गला तैयार है, पहले मैं कच्चा करके आपको दिखाऊंगी गला किस तरीके से तैयार है। ये देख सकते हो मैंने कच्चा कर दिया है कच्चा, और इस तरीके से हमारा ये गला तैयार हो जाएगा।